हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षल और आज हम फाइल सिस्टम के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा फाइल सिस्टम के बारे में। तो लिनक्स फाइल सिस्टम जो है उसमें आपको कुछ इस तरीके से आपको फाइल सिस्टम्स मिलेंगे, मतलब डायरेक्टरीज होती है। लिनक्स में क्या होता है कि कोई भी डिवाइस या कुछ भी, हर जो चीज़ है वो फाइल होती है। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसे एज अ फाइल कंसिडर करता है, वो कोई डिवाइस कंसिडर नहीं करता। वो कुछ तो भी नया कुछ डिटेक्ट किया है ऐसा कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग शुड बी कंसिडर एज अ फाइल, राइट? सो यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हर चीज़ फाइल कंसिडर की जाती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है? तो ये जो कुछ 19 19 1 2 3, ये पूरा 19 डायरेक्टरीज है। जैसे हम विंडोज़ में फोल्डर बोलते हैं, वैसे ही हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे डायरेक्टरी कहते हैं। फाइल को फाइल बोलेंगे, लेकिन फोल्डर जो हम विंडो में बोलते हैं, यहाँ पर उसे डायरेक्टरीज बोलेंगे। तो डायरेक्टरी बिन, एस बिन, डेव, एटीसी, होम, रूट, रन, मीडिया, माउंट, ऑप्शनल, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी 64, सिस्टम, सर्विस, वेरिएबल, यूजर, टेम्प्ररी, प्रोसेस और ये बूट। तो ऐसे टोटल 19 डायरेक्टरीज अवेलेबल है, ठीक है? तो चलिए मैं सिस्टम पे चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली आप ये कैसे पता करोगे कि कौन सी डायरेक्टरीज कहाँ पे है। तो इसके लिए पिछली बार हम लोगों ने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया था और वर्चुअल बॉक्स में हमने हमारा जो सेंट ओएस है उसे इंस्टॉल किया था। तो चलिए सेंट ओएस को शुरू करते हैं। अभी मैं सेंट ओएस को शुरू कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसे शुरू कर रहा हूँ, सेंटोस जो है थोड़ी देर में भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल बॉक्स में ना स्क्रीन थोड़ी छोटी आती है। अगर आप उसे बड़ी करोगे तो यहाँ पे थोड़ा, मतलब कर्सर थोड़ा सा लैग करता है, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको एक, हमें क्या करना है कि हमें अभी तो टर्मिनल पे ही काम करना है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं ls कर दूंगा। ls मतलब लिस्टिंग। तो लिस्टिंग करते ही वहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, इसने दूसरा। आप एक काम कीजिए, आप ये जो रूट है, ठीक है, सबसे पहला जो रूट है स्लैश cd, मतलब ओपन कर रहे हैं हम स्लैश, ठीक है? तो स्लैश में चले गए, फिर बाद में आपको ls करना है। तो देखिए पूरे 19 आपको ये डायरेक्टरीज आपको मिलेगी। आई गेस ये कुछ काफ़ी छोटा हो गया तो शायद आपको दिखेगा नहीं। ओके, कोई इशू नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे रिमोटली एक्सेस कर लेता हूँ। इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। एग्ज़िट करने के बाद में सॉरी, मैं इसे बंद कर देता हूँ, इनिट ज़ीरो करके बंद कर देता हूँ। तो ये अभी ही शट डाउन हो जाएगा इनिट ज़ीरो करने से। अभी इसके शट डाउन होने के बाद में हम एक काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि हम सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे नेटवर्क में जाएंगे। हम इसका नेटवर्किंग जो है लोकल नेटवर्किंग से कनेक्ट करेंगे, मतलब जो हमारा फिजिकल जो नेटवर्क है
और ये वाला नेटवर्क है, वर्चुअल मशीन का जो नेटवर्क है, वो जो नेटवर्क है वो एक ही रेंज में होना चाहिए आईपी एड्रेस उसका। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे आप ये देखिए नेट में होता है, इसे आप ब्रिज अडाप्टर कर दीजिए। ब्रिज अडाप्टर जब आप करोगे तो क्या होगा कि आपका जो फिजिकल सिस्टम है और आपका जो वर्चुअल सिस्टम है, दोनों दोनों सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है उनका रेंज जो है वो सेम हो जाएगा। एक ही आईपी एड्रेस के रेंज में ये दोनों सिस्टम आएंगे। एक ही अगर आईपी एड्रेस के रेंज में दोनों सिस्टम आते हैं तो क्या होता है कि आप एक्सेस, आप कम्युनिकेट कर पाते हो दूसरे सिस्टम से। ठीक है, तो मेरा एक वर्चुअल सिस्टम है और एक मेरा फिजिकल सिस्टम है। मैंने क्या किया है कि दोनों के बीच में एक नेटवर्क अडाप्टर, ब्रिज नेटवर्क अडाप्टर लिया है मैंने। तो ब्रिज नेटवर्क अडाप्टर से क्या हो गया कि दोनों का आईपी एड्रेस एक ही रेंज में उसको मिल जाता है। तो चलिए, तो ये जो है ये नेटवर्किंग है। तो नेटवर्किंग तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे तब मैं पूरे कॉन्सेप्ट जो है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस तक पूरा आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद में नेटवर्क, ब्रिज नेटवर्क अडाप्टर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पर ओके कर दो और कुछ नहीं। और यहाँ पे एडवांस में जाके यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे अगर डिनाई होगा तो यहाँ इसे अलाउ ऑल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओके करेंगे। तो अभी ओके करने के बाद में हम लोग एक काम करते हैं, अभी इसका आईपी एड्रेस चेक करेंगे। अब वर्चुअल मशीन का हम लोग आईपी एड्रेस चेक करेंगे। दोस्तों वैसे मैं ये बताना नहीं चाहता था, बट तो मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ठीक है कोई इशू नहीं है, बट आप इसे भी नोट कर लीजिए कि मतलब आप एक्सेस कैसे करोगे, अगर रिमोट सर्वर होगा या फिर रिमोट होस्ट होगा तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है। अब चले जाइए इसके अंदर। वर्चुअल बॉक्स, मेरा सिस्टम काफ़ी स्लो है, सॉरी गाइस, तो इसके वजह से ये इतना स्लो चल रहा है। इसको मैं, ठीक है, इसमें अभी हम लोग आईपी एड्रेस क्या है इस सिस्टम का वो फाइंड आउट करेंगे। तो आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए हमारे पास आईपी एडर, शायद ये वाला नहीं है। ओके, आई एफ कॉन्फिग, इफ कॉन्फिग, राइट। तो इफ कॉन्फिग में हम बहुत, काफी ज्यादा स्लो काम कर रहा है मेरा सिस्टम। तो इफ कॉन्फिग में ये देखिए, ये है आईपी एड्रेस आपका। ठीक है, तो ये ENP0S3 ये याद रखिए। ठीक है, ये इसको मिला है और आईपी एड्रेस है 192.168.43। देखिए आईपी एड्रेस जो है 192.168 इस रेंज में है। ठीक है, और आपका जो आईपी एड्रेस है वो 43.230, तो 192.168 के रेंज में है 43.230। तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा फिजिकल फिजिकल मशीन है। ठीक है, तो मेरा उबुंटू है इसलिए मैं डायरेक्टली टर्मिनल से कर रहा हूँ। आप लोग भी, आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपका सिस्टम विंडो है, आप पुट्टी करके एक सॉफ्टवेयर आता है उसे आप डाउनलोड कीजिए, और जैसे वर्चुअल मशीन का, सॉरी, ये वर्चुअल मशीन का जो आईपी एड्रेस है उसे आप वहाँ पर पेस्ट कीजिए, वहाँ पे एंटर कीजिए, आप डायरेक्टली, आपको डायरेक्टली उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस ले लेता हूँ SSH। ये मेरा
यूज़र नेम है हर्षल, उसके बाद में 192। चलिए सबसे पहले तो इसका हम लोग कॉन्फ़िग, इसका अगर मैं आईपी एड्रेस चेंज चेक कर रहा हूँ तो ये देखिए सेम रेंज में होगा, आई मस्ट से सेम रेंज में ही होना चाहिए, अदरवाइज वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। ओके ये देखिए P3S03, ओके 192.168.43, देखा आपने। तो ये तीन जो डिजिट है ओके ये बिल्कुल सेम है, मतलब ये एक ही रेंज है 192.168.43। और आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी 192.168.43, ठीक है। तो देखिए सेम रेंज में है, हमने ब्रिज अडाप्टर, ब्रिज नेटवर्क अडाप्टर हमने सिलेक्ट किया था, इसके वजह से दोनों का आईपी एड्रेस सेम रेंज में आ गया। तो अब अभी यहाँ पर SSH 192.168.43. आखिरी का 230, ठीक है। तो ये हर्षल जो है ये मेरा यूजर नेम है @192.168.43.230। तो ये जो है ये मेरा वर्चुअल मशीन है, मेरा सेंट ओएस है, ठीक है। यहाँ पर आप यस टाइप कीजिए, यहाँ पे जो पासवर्ड है वो डाल दीजिए, ये आपका जो वर्चुअल मशीन है उसका पासवर्ड डालिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया है। उसके बाद आप देखिए मैं मेरे मशीन में आ गया हूँ, ये देखिए Herschel@localhost यही है, ये देखिए Herschel@localhost ये मतलब मेरा वर्चुअल मशीन है, और ये अभी यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने मेरे वर्चुअल मशीन का एक्सेस ले लिया है। तो अभी बस आप इतना याद रखिए कि मैंने ये कैसे लिया है, एक्सेस कैसे लिया है, आप भी ये ट्राई कर सकते हो। बट ये सब चीज़ें हम लोग आगे सीखने वाले हैं और काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो अभी के लिए बस इतना ही याद रखिए, क्योंकि आज तो मैं फाइल सिस्टम बता रहा हूँ, तो हम फाइल सिस्टम के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ठीक से स्क्रीन जो है मतलब छोटी स्क्रीन आ रही है एंड दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो हम इसमें आ गए राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ls करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मुझे इसमें जाना होगा, ठीक है। तो अभी ये देखिए अब ये देखिए सबसे पहला जो होता है ये है रूट डायरेक्टरी, ये जो स्लैश है ना ये होता है रूट डायरेक्टरी, ठीक है। फिर ये रूट डायरेक्टरी के अंदर में मतलब ये एक फोल्डर है, स्लैश नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर में ये 19 फोल्डर है, मतलब टोटल हो गए 1 एंड 19, टोटल 20 फोल्डर्स हो गए। तो स्लैश नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर में स्लैश बिन है, स्लैश एस बिन है, डेव है, तो ये टोटल 19 है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है स्लैश बिन, तो हम लोग आ गए हैं स्लैश बिन में। तो स्लैश बिन में आने के बाद सबसे पहले मुझे आपको कमांड प्रॉम्प्ट सिखाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है तो मैं आपको पहले कमांड प्रॉम्प्ट सिखाता हूँ। तो देखिए गाइज अगर आप सबसे पहले टर्मिनल ओपन करोगे तो सबसे पहले ये जो है ये आपका यूज़र का नाम आएगा, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। रूट यूज़र भी आता है, स्पेशल प्रिविलेज होते हैं, उसके लिए एक कमांड आपको टाइप करनी होती है जिससे आप स्विच कर लोगे रूट यूज़र में। अगर आपको दूसरे यूज़र में स्विच करना है तो
वो भी आप कर सकते हो। जैसे दो तीन यूज़र है, हर्षल है, राहुल है, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे यूज़र है, तो आप स्विच कर सकते हो। हर्षल से आप राहुल का यूज़र स्विच कर सकते हो। और ये जो मशीन है इसका नाम है लोकल होस्ट, राइट, मशीन का नाम है लोकल होस्ट, ठीक है। तो हर्षल यूज़र है जो लोकल होस्ट मशीन पे है, और ये जो है टिल्ड, इसे कहते हैं टिल्ड। तो ये जो है ये हमारा, आप कौन से फोल्डर में हो, मतलब आप कहाँ पे हो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप कौन से फोल्डर में हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में सब फोल्डर है, मतलब डायरेक्टरी है, आप किस डायरेक्टरी में हो। तो आप अभी टिल्ड डायरेक्टरी में हो, ठीक है। तो टिल्ड डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, टिल्ड डायरेक्टरी मतलब मैं वो सब आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत कुछ है जानने के लिए। तो आप अब बस देखिए, आपको धीरे धीरे करके मैं सब कुछ बता दूंगा। तो अभी ठीक है, और ये जो है डॉलर का साइन, ठीक है, ये होता है नॉर्मल प्रॉम्प्ट, ठीक है, उसके बाद में डॉलर प्रॉम्प्ट है, उसके बाद में अगर मैं इसे सूडो हाइफन आई कर देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हैश आ गया है, ठीक है। तो ये डॉलर प्रॉम्प्ट जो होता है इसका मतलब ये मतलब नॉर्मल यूजर के लिए है डॉलर प्रॉम्प्ट, ठीक है। अगर रूट यूजर के लिए यहाँ पे हैश आ जाता है, राइट। तो डॉलर डॉलर प्रॉम्प्ट एंड हैश प्रॉम्प्ट, ये नॉर्मल यूजर है डॉलर प्रॉम्प्ट, हैश प्रॉम्प्ट आपका रूट यूजर है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर ये डॉलर प्रॉम्प्ट है, देखिए अभी ये रूट आ गया है, ठीक है। जैसे कि एक रूट के लिए हमने पासवर्ड सेट किया था, और एक हर्षल करके मैंने मेरा मेरे नाम से एक यूज़र बनाया था। तो जो रूट यूज़र जो होता है वो पहले से ही मतलब वो नेसेसरी होता है, वो तो आपको करना ही है, रूट यूज़र बना नहीं है, बिना रूट यूज़र के आप सिस्टम नहीं चला सकते। सेकंड, एक तो कोई तो भी यूज़र होना चाहिए, तो रूट यूज़र मस्ट होता है। उसके बाद में फिर आप नॉर्मल यूज़र्स काफ़ी सारे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। तो रूट यूज़र जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सभी सभी चीज़ों का एक्सेस होता है रूट यूज़र को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेन फोल्डर पे। तो ये है हमारा हैश, सॉरी स्लैश, सीडी मतलब मैं स्लैश फोल्डर में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी होता है सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, तो मैं डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ स्लैश। अब मैं स्लैश डायरेक्टरी करूँगा, तो ये देखिए टिल्ड से अभी स्लैश डायरेक्टरी हो गया, ठीक है। स्लैश डायरेक्टरी के अंदर में क्या क्या है अगर वो मुझे देखना है, तो मैं लिस्टिंग कर दूंगा एलएस से, देखिए, ठीक है। अभी मैंने लिस्टिंग किया है, तो देखिए मुझे टोटल 19 जो डायरेक्टरीज है, ठीक है, स्लैश नाम का जो फोल्डर है उसमें 19 19 डिफरेंट फोल्डर है, ठीक है। ये जो 19 फोल्डर है ये स्टैंडर्ड फोल्डर है, ठीक है, इसे डायरेक्टरी कहते हैं, स्टैंडर्ड डायरेक्टरी है स्लैश नाम की डायरेक्टरी, उसके अंदर में 19 डायरेक्टरीज है, ठीक है। तो अभी एक एक करके हम सभी डायरेक्टरीज क्या क्या काम करती है, ये स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी डायरेक्टरी में क्या होता है, इसका क्या यूज है, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी डायरेक्टरीज को पता करते हैं कि कहाँ पे क्या होता है, और साइड बाय साइड मैं आपको डायरेक्टरीज के अंदर में क्या दिखता है, कौन से फोल्डर्स, क्या डेटा कहाँ पे सेव होता है, कौन सा डेटा, मैं सब आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा थ्योरेटिकल के साथ।